हाँ मुझे रुको, बढ़िया आप लोग कैसे हो? अरे वाह क्या हेयरस्टाइल है, गर्मी साथ चल रहा है। मैम रुको एक मिनट। थैंक यू सो मच। तैयारी है लेकिन नहीं, मतलब आप तो बहुत जल्द जा रहे हैं। तैयारी में हूँ, फुल ऑन एंड वेरी एक्साइटेड। स्विमिंग किया कि नहीं आप? यस स्विमिंग भी चालू है, इसीलिए तो इतनी टैनिंग हो गई है। और क्या कुछ चालू है फिटनेस को लेकर? डेफिनेटली वर्कआउट चालू है, अपनी अपनी प्रिपरेशन सबकी चल रही है। आई थिंक ये रिवील नहीं करना चाहूँगी, पता चले बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी कर दिया, इसीलिए मैंने बता दी मैंने क्या क्या किया है। वेल आपके फ्रेंड्स भी जाकर आ चुके हैं, सो ये जानना चाहिए किस किस से क्या क्या टिप्स दिए। मैं भी हिंदी सबने मुझे बहुत एक्चुअली टिप्स दिए एंड बहुत सारे फ्रेंड्स अर्जुन नायरा अर्जुन कनिका कितने सारे दोस्त गए थे, सो सबने बस यही बोला कि इन्जॉय कर, यू कैन हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू। जी श्योर। वेट वेट हम लगा लो सर अगेन। लुक सेंटर या कर रहे हैं इस कैमरा या रुको रुको जनता भाई रुको भाई मैं नीचे आ जाता हूं। हर तरह की प्रिपरेशन लगती है खतरों में जाने के लिए, आपने क्या अपने आप को तैयार किया? डेफिनेटली स्विमिंग किया यार, स्विमिंग क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिनको वाटर से डर लगता है वो अक्सर थोड़े वीक पर जाते हैं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्विमिंग करूँ। बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट कैलिस्थेनिक्स बहुत कुछ चला है। सो अजय जी पहले भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जा चुके हैं खतरों के खिलाड़ी जी, तो आपने किसी से कुछ टिप्स? डेफिनेटली मैंने अपने फ्रेंड से बात की, जब उनको बताया तो दे वर वेरी हैप्पी एंड सबने मेजरली यही कहा कि भाई वहाँ जा एंड जस्ट किल इट बिकॉज आई नो यू कैन, एंड सबने कहा यू कैन हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस। कुछ भी बता के करके कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाओ एक्सपीरियंस करो, आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। अलग 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 टास्क आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जी, तो किस चीज़ का मेन फियर है आपको? मेन फियर मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि पता चले वही स्टंट वो लोग डाल देंगे इंटरव्यू देख के। बट लेकिन आपको सबसे ज्यादा पानी में आपको ऊपर से ऊंचाई से मतलब हर जगह रहता ना? नहीं एक्चुअली जादू करने के बाद ये जादू जिनका जब किया था तो हार्नेस हाइट और ये सबका फियर तो निकल गया था। अब क्या क्या फियर उधर निकलेंगे वो मुझे पता चलेगा क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा अब नॉर्मल जिंदगी में थोड़ी आपके सांप ऊपर ऐसे डल रहे होते हैं, तो जब वो आएगा सामने तब मैं देखना चाहूंगी कि आदिति कितनी स्ट्रांग बनती है और कितनी एक्चुअली स्ट्रांग है। और फिटनेस को लेकर कितना कुछ ध्यान रखा जा रहा है या अपनी डाइट को लेकर ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर हाइट होगा अंडर वाटर होगा, क्या कहना चाहोगे? बहुत ध्यान रखा जा रहा है एक्चुअली फिटनेस को लेके, वर्कआउट जोरों शोरों से चालू है एंड देन ऑफ कोर्स स्विमिंग भी हो रही है एंड अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ एंड हाँ ये सब कोशिश जारी है। और मैम शो की अगर हम बात करें आपके पिछले शो में काफ़ी बहुत बेहतरीन आपने निभाया था कैरेक्टर, क्या कहना चाहोगे? इतना प्यार मिला करण और आपके जोड़ी को, डेफिनेटली बहुत प्यार मिला है एंड आप लोगों के प्यार की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ एंड आगे जा रही हूँ खतरों के खिलाड़ी में। सो आई रियली होप कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊँ और बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। अदिति लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट खतरों के खिलाड़ी कंटेस्टेंट अब तक का कौन रहा है? आई थिंक एक किसी को नहीं बोल पाऊंगी मैं क्योंकि मुझे कनिका का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था, अर्जित का परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा था, डीनो का परफॉर्मेंस अच्छा था, रश्मि का सबका बहुत अच्छा था। आई थिंक सब अपने कैलिबर के हिसाब से बेस्ट दे के आए हैं और मैं भी यही कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दे सकूं। थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक। सो गुड टू सी यू अदिति जी। थैंक यू। कैसी हो आप पहले आप ये बताइए। बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत खुश हूँ। सो एक्साइटेड न्यूज, काफी अच्छा लग रहा है। खतरों खिलाड़ी में जाने वाली हो, क्या क्या प्रिपरेशन आपने अभी तक कर ली है? मैंने काफी प्रिपरेशन की है जो मैं सीक्रेट रख रही हूँ ताकि पता चले बाकी सबको पता चल गया तो सब ऐसे प्रिपेयर करने लग जाएंगे ना। खतरों खिलाड़ी में जाने से पहले काफी अपने आप को बदलना पड़ता है, चाहे वो स्विम का टास्क हो चाहे हाइट का टास्क हो, अपने आप को काफी प्रिपेयर रखना पड़ता है। आपको किस चीज का मेन डर है?
मैं अपने फियर्स रिवील इसीलिए नहीं करूँगी ताकि आप लोग एपिसोड देखो और उसमें आपको पता चले कि मुझे किस किस चीज़ से डर लगता है. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्चुअली मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है, तो जब वो चीज़ें सामने आएंगी तब मुझे पता चलेगा कि अदिति जो इतनी बिंदास बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनती है उसको एक्चुअली किस चीज़ से डर लगता है. और आपके कौन कौन से फ्रेंड्स साथ में आपके? ये एक सरप्राइज़ है और ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि और कौन कौन जाने वाला है, बट मैं ये बताऊँगी कि उनमें से कुछ लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त ऑलरेडी बन चुके हैं. एंड वैसे मैं पर्सनली कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अब बन चुके हैं दोस्त. जैसे न्यूज़ पता चली कि आप खतरों में जा